आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिहारी स्टाइल चिकन और चावल की रेसिपी। अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो इस चिकन रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो समय को बिना बर्बाद किए हुए चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। कढ़ाई में 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल के उसे अच्छे से गर्म कर लें। चिकन का स्वाद सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा आता है और बिहार में स्पेशली लोग सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं चिकन बनाने के लिए। तेल यहाँ पे गर्म हो गया है तो अब आपको तड़के में डालना है 1 तेज पत्ता बीज से तोड़ के, 10 से 12 छिली हुई लहसुन की कलियाँ और 4 बड़े आकार का कटा हुआ प्याज। गैस का आँच आप मीडियम कर दें और इसे तब तक भुनें जब तक कि प्याज आपकी हल्की सी नरम ना हो जाए। तड़के में मैंने छिली हुई लहसुन की कलियां डाली हैं, लेकिन बिहार में लोग स्पेशली गोटा लहसुन डालते हैं, तो अगर आपको गोटा लहसुन पसंद है तो तेल में गोटा लहसुन डालें। प्याज हमारा अच्छा सॉफ्ट हो गया है और प्याज में हल्का सा सुनहरा एक कलर भी आ गया है, तो बस इससे ज़्यादा आपको प्याज को नहीं भुनना है। अब आपको यहाँ पर डालना है चिकन। मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छे से धो लिया है 2-3 पानी। चिकन को हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का आंच अभी हम धीमा कर देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हम तेज आंच पे इसे भुनेंगे ना तो क्या होगा, चिकन नीचे से जलने लगेगा। तो चिकन को यहाँ पे आप ढक दें और ढक के इसे 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें। गैस का आंच मीडियम से थोड़ा कम रखें। जब तक इधर चिकन हमारा भुन रहा है तब तक हम इसके लिए मसाला पीस के तैयार कर लेंगे। तो मसाले में यहाँ पर मैंने 50 ग्राम अदरक और लहसुन लिया है, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग और 7 से 8 सूखी लाल मिर्ची। चाहे तो मसाले को आप सिलवट्टे पे भी पीस सकते हैं। तो सारा मसाला मैंने यहाँ मिक्सी में डाल दिया है। अब आपको यहाँ पे डालना है लगभग 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया। बिहार में सभी साबुत मसालों को पीस के ही चिकन बनाया जाता है, तो बिल्कुल आज बिहारी तरीके से चिकन बनाएंगे। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च और 1.5 छोटा चम्मच यहाँ पे आपको डालना है साबुत जीरा। अब आप इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डालें, जार का ढक्कन लगा के मसाले को बिल्कुल बारीक पीस के तैयार कर लें। इधर चिकन को भी हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, चिकन में से पानी निकलना शुरू हो गया है। और स्टार्टिंग में हम इसलिए गैस का आँच धीमा कर देते हैं ना, क्योंकि जब हम चिकन डालते हैं तो उसमें पानी निकलना शुरू नहीं होता है, तो तेज़ आँच पे कर देंगे तो चिकन आपका जलने लगेगा। तो चिकन को यहाँ पे मैंने एक बार और चला दिया है। अब आप इसे दोबारा से ढक दें और ढक के इसे तब तक पकने के लिए छोड़ दें जब तक कि चिकन के ऊपर एक सुनहरा लेयर ना आ जाए। तो ये देखिए, इधर हमारा मसाला भी पीस के तैयार हो गया है और चिकन को भूनते हुए यहाँ पर लगभग 10 से 12 मिनट हो गए हैं। तो खोल के इसे चेक कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चिकन के ऊपर एक हल्का सा सुनहरा लेयर आ गया है। चिकन हमारा यहाँ पे हल्का सा भुन गया है। चिकन बनाते समय आपको हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखना होता है अगर आपको एक अच्छा चिकन का टेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच अभी नमक डाल दे रही हूँ। नमक यहाँ पे हम इसलिए डाल रहे हैं ना कि चिकन हमारे फीके फीके से ना लगे। बाद में जब हम मसालों के साथ नमक डालते हैं ना तो क्या होता है कि चिकन के अंदर तक नमक अच्छे से नहीं जा पाता है, तो पीसेस ना थोड़े फीके फीके से लगते हैं। नमक डालने के बाद चिकन को हम मीडियम आंच पे 2 मिनट और भून लेंगे। तो यहाँ पे चिकन हमारा भून के तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में नीचे तेल अब दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि अब हमारा चिकन तैयार है मसाले को डालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पीसा हुआ मसाला डाल दिया और जार में थोड़ा सा पानी डाल के जो बचा हुआ मसाला है उसे भी हम निकाल के कढ़ाई में डाल देंगे। 1.5 छोटा चम्मच यहाँ पर आप हल्दी पाउडर डाल दें या हल्दी पाउडर आप अपने आवश्यकता अनुसार डालें। साथ ही साथ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। अगर आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे तो हमारे चिकन का जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। 1 बड़े आकार का कटा हुआ टमाटर भी आप यहीं पे डाल दें ताकि मसालों के साथ टमाटर भी अच्छे से पक जाए। टमाटर जल्दी पक जाए इसलिए यहीं पर हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर 2 छोटे चम्मच नमक डाल रही हूँ। ध्यान रखिएगा कि चिकन को भुनते समय भी हमने 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया था। तो गैस का आँच हम यहाँ पर धीमा कर देंगे और मसालों के साथ चिकन को अच्छे से मिला लेंगे। मसाला यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब आप चिकन को ढक दें और ढक के बिल्कुल धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें। बीच बीच में एक आध बार आप चिकन को खोल के चलाते ज़रूर रहें ताकि मसाला बर्तन के तले से चिपके ना। तो यहाँ पे चिकन को पकते हुए पूरे 20 मिनट हो गए हैं, तो खोल के इसे हम एक बार और चला लेंगे।
चिकन को हम जितने अच्छे से भुनेंगे हमारा चिकन उतना ही सॉफ्ट और टेस्टी बनके तैयार होता है। अब आपको इसमें डालना है दही, तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। नॉर्मल दही है, खट्टी नहीं है। वैसे तो हम बिहार में जब चिकन बनाते हैं तो दही का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे आप थोड़ा सा दही ज़रूर डालें। 1 चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चिकन मसाला पाउडर। किसी भी ब्रांड के चिकन मसाला पाउडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दही को हम डालने के बाद लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे जब तक कि मसालों के साथ दही अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अब आप चिकन को ढक दें और ढक के इसे 12 से 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें। गैस का आंच आप मीडियम से लो के बीच में रखें। जब तक चिकन हमारा इधर भुन रहा है तब तक हम चावल को बना के तैयार कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे डालना है चावल, तो मैं यहाँ पे मेजरिंग कप से 1 कप चावल ले रही हूँ। आप चाहें तो ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चावल को नापने के लिए। अब हम पानी डाल के चावल को अच्छे से धो लेंगे और धो के इसे साफ कर लेंगे। चावल को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है और चावल को मैंने 2-3 पानी अच्छे से धो लिया है। अब हम चावल को कुकर में डाल देंगे। अब आपको यहाँ पे डालना है पानी, तो यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिया है, तो जिस कप से मैंने चावल लिया था उसी कप से मैं यहाँ पे 1.5 कप पानी डालूंगी, क्योंकि चावल पहले से भिंगोया हुआ नहीं है। अब आप कुकर का ढक्कन लगा दें और हाई फ्लेम पे कुकर में 1 सीटी लगने के लिए छोड़ दें। कुकर में 1 सीटी लग गई है, तो अब आप गैस बंद कर दें और इसे हम तब तक नहीं खोलेंगे जब तक कि कुकर का जो प्रेशर है वो अपने आप से पूरी तरीके से निकलना चाहिए। तो चिकन को पकते हुए यहाँ पूरे 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा देखने में कितना लजीज लग रहा है। चिकन यहाँ पे हमारा अच्छे से भुन गया है। अगर आप सूखा खाना चाहते हैं तो बस हरी धनिया डाल के आप इसे रोटी के साथ ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे डालना है पानी, तो मैंने मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो नॉर्मल पानी वाला जो ग्लास होता है उससे भी पानी डाल सकते हैं। मेजरिंग कप से मैंने यहाँ पे 2 कप पानी डाला है। आप अपनी ग्रेवी के अनुसार पानी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ताज़ा बारीक कटी हुई हरी धनिया के पत्ते। डाल के इसे मिक्स कर लेंगे और ढक के इसे बिल्कुल धीमी आंच पे 10 से 12 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे चिकन को पकते हुए पूरे 12 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारा कितना लजीज चिकन लग रहा है देखने में। चिकन को बनाने में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होता है, क्योंकि इसे बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब आप इसे खाएंगे ना तो इसका जो स्वाद है वो आपके मुँह से नहीं उतरेगा। बार बार आप इसे बना के खाना पसंद करेंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से पतला या गाढ़ा रख सकते हैं। तो अब आप गैस बंद कर दें और चलते हैं चावल को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे कुकर का प्रेशर निकल गया है, तो कुकर का ढक्कन खोल के चलते हैं हम गर्मा गर्म इस भात को मुर्गा के साथ सर्व करने के लिए। अगर आप भी नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपको और आपके परिवार को बहुत पसंद आएगी। तो आज मैं इस चिकन को चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे रोटी के साथ भी गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इस स्वाद का आनंद उठा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। तो मैं चलती हूँ इस चिकन और चावल का आनंद उठाने अपने परिवार के साथ। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में। तब तक के लिए बाय बाय।